बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू में जुबानी जंग तेज है। बीजेपी इस बार सूबे में बड़े भाई की भूमिका अदा करना चाहती है, लेकिन जेडीयू उसे आंख दिखा रही है। दोनों सहयोगी दलों में जारी तकरार के बीच अब तेजस्वी यादव ने सूबे के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ फिर आवाज उठाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जब से नीतीश कुमार ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया है, सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। नीतीश के कैंपेन से विपक्ष में तो खलबली मची ही, मगर सहयोगी बीजेपी भी बेचैन हो उठी। पार्टी नेताओं ने तो नीतीश कुमार को राज्य से बाहर केंद्र जाने की नसीहतें डाली। इसके बाद से ही दोनों सहयोगियों में सियासी बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे लेकर अब सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीति, सिद्धांत और विचारधारा नहीं है। हमेशा जुबानी खर्च में कहते रहे कि हम ट्रिपल तलाक 370 का विरोध करेंगे, लेकिन संसद में वोटिंग के समय बीजेपी की मदद की। उन्होंने सदैव हमें, गठबंधन दलों और बीजेपी को धोखा दिया है। कुर्सी ही उनका पहला और अंतिम विचार है। वहीं उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, माननीय नीतीश कुमार जी की अपनी कोई ताकत नहीं। आज तक ना सिर्फ अकेले चुनाव लड़ा और ना 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अकेले लड़ने की क्षमता है। अपने इस ट्वीट में तेजस्वी ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। आरजेडी नेता ने नीतीश पर तो कटाक्ष किया ही है, वहीं बीजेपी के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता से प्यार है, सहयोगियों से नहीं। तभी तो उन्होंने पहले सत्ता के लिए महागठबंधन से हाथ मिलाया और फिर कुर्सी के लिए ही आरजेडी और कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी से गठजोड़ कर लिया। और अब नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए बीजेपी से अलग अपना चुनावी कैंपेन भी शुरू कर दिया है। वैसे तेजस्वी भले ही यहाँ नीतीश कुमार पर बरस रहे हो, मगर उनकी पार्टी के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पिछले दिनों नीतीश कुमार को अपने साथ आने का न्योता भी दिया था। खैर, अब नीतीश आरजेडी में आए या नहीं, मगर बीजेपी के साथ छिड़ी जेडीयू की जंग बताती है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।